हेलो दोस्तों, टैकी बॉय में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इस चैनल में आपको मिलेगी काफ़ी टैकी वीडियो और काफ़ी अर्निंग रिलेटेड वीडियो। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये रेड कलर का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए और ये जो साइड में बेल का आइकन दिख रहा है, इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। और फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो वॉच करने सकते हो तो प्लेलिस्ट या वीडियो में जाके आप वॉच भी कर सकते हो। तो ये सारी मेरी वीडियो हैं जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। और फ्रेंड, ये जेन्युइन वीडियो है, जो अर्निंग रहती है और जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं वो सब कुछ इसकी जेन्युइन वीडियो है। ठीक है फ्रेंड, और भी काफ़ी आपको इसमें कॉन्टेंट मिलेंगे अलग अलग। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके इन वीडियो के बारे में। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, कमेंट करें। सॉरी। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, ये मैं जो वीडियो ये है काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से बना रहा हूँ, जो मैंने एक्सबॉक्स 360 के ऊपर बनाई थी उसके बाद। ठीक है फ्रेंड, तो उससे रिलेटेड अगर कोई अदर वीडियो भी बनानी हो एक्सबॉक्स से रिलेटेड कोई अदर वीडियो, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके वहाँ पर बताएँ। ठीक है, लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और चैनल का लिंक, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, प्लस नेटफ्लिक्स प्लस मूवीज़ और प्लस अदर चीज़ अपलोड करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ जो हमें अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए अपनी बात को आगे करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है PS5 का जो इवेंट है वो कब आने वाला था और अब ये क्यों कैंसिल हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, आई थिंक काफ़ी नीचे जाने पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पोस्ट इन्होंने कर दिया है इस टाइम। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, यहाँ पे गूगल पे सर्च करके देखो, यहाँ पे 4 जून को होने वाला था ये इवेंट USA के अंदर, तो मतलब 4 PM, ठीक है, 4 PM ET ईस्ट, ठीक है, और ये 1 PM ये USA के अंदर का टाइम है और ये इंडिया के अंदर का टाइम। ठीक है फ्रेंड, पर ये 4 जून को नहीं, इंडिया के अंदर होने वाला था ये 5 जून को, आई थिंक, सॉरी फ्रेंड, ये इंडिया का टाइम नहीं है, ये कहीं और का ही टाइम है। तो ये इंडिया के अंदर का टाइम नहीं है, इंडिया के अंदर का जो टाइम होने वाला था वो था आई थिंक 1:30 बजे ऐसे कुछ समथिंग टाइम था, उस टाइम ये होना था इवेंट। पर अभी जो इन्होंने ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल में, ठीक है, ये देखिए, वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द PS5 इवेंट शेड्यूल फॉर जून, विल बी अंडरस्टैंड गेमर्स वर्ल्ड वाइड आर एक्साइटेड टू सी PS5 गेम, वी डू नॉट फील दैट राइट नाउ इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड फॉर नाउ वी वॉन्ट टू स्टैंड बैक एंड अलाउ मोर इम्पोर्टेंट वर्जन टू हैंड। तो और ये देखिए, ये सेकंड ट्वीट जो पहले इन्होंने ट्वीट किया था, इससे पहले वी सिस्टम रेसिज्म एंड वॉयलेंस अगेंस्ट द ब्लैक कम्युनिटी, वी विल कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड अ फ्यूचर मार्केट बाय एंड क्लेशंस एंड स्टैंड विद योर ब्लैक क्रिएटर्स प्लेयर्स एम्प्लॉय फैमिली एंड फ्रेंड, ब्लैक लाइव्स मैटर्स। तो ये देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा कुछ जो भी है ब्लैक एंड वाइट के बीच का वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसके रीज़न में ये पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोनी कैंसल PS5 इवेंट USA अनरेस्ट ग्रो। तो फ्रेंड, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे इन्होंने ये मना कर दिया कि अभी ये जब तक मतलब जो भी इन्हों के साथ वो प्रॉब्लम हुई है ब्लैक एंड वाइट की जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो उस जब तक वो रिसॉल्व नहीं होती है तब तक ये आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे अभी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी PS4 में जो न्यू गेमिंग टाइटल आने वाले थे, लास्ट ऑफ अस Part 2, गोस्ट ऑफ तुशीमा, और जो एक मोस्ट जो मेरा फेवरेट है, मैंने जो बाय करना था वो काफ़ी टाइम से, वो भी डिले हो रहा है, जो साइबर पंक है वो मैंने बाय करना था, पर मैं प्रीव्यू अब उसका नहीं कर रहा क्योंकि वो भी आई थिंक डिले हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2020 से ही, या आप लगा लो 2019 से ही काफ़ी डिले हो रही हैं गेम, जैसे कि लास्ट ऑफ अस होगी और ये साइबर पंक होगी, और भी 2-3 गेम्स हैं, और गोस्ट ऑफ तुशीमा तो आपको पता ही है कितने टाइम से डिले हो रही है। ठीक है, तो
मुझे इसमें ये रीज़न भी लग रहा है कि ये जो गेम्स है, ये मुझे इतना लग रहा है कि इस साल रिलीज़ होना मुश्किल है। मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट साल तक ऐसे ही डिले करते रहेंगे। ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अगर प्रॉब्लम इनों की रिसॉल्व हो जाए तो अगर रिलीज़ कर दें, पर जहाँ तक मेरा ओपिनियन और मुझे लगता है तो ये आई थिंक सब कुछ जो भी है PlayStation 5 वगैरह और गेम्स वगैरह जो न्यू आने वाली थी वो नेक्स्ट ईयर तक ही रिलीज़ हो पाएंगी, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके चक्कर में भी प्लस थोड़ा बहुत इनों का काम भी डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनों को काफ़ी प्रॉब्लमें फेस भी करनी पड़ रही है। जैसे अभी इनों का कुछ मसला हो गया है ब्लैक एंड वाइट का, वो भी आप देख पा सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड और इवेंट तो काफ़ी हैं इनों के। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है कि ये जो डिले है ये आपको 2021 तक ही आपको न्यू अपडेट मिल पाएगा इनों का, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और बाकी देखते हैं अक्टूबर में PS5 भी रिलीज़ होता है या नहीं, बिकॉज़ इंडिया में तो रिलीज़ होना अभी मुश्किल ही है क्योंकि जब तक प्रॉपर सामान डिलीवर नहीं होगा, प्रॉपर सामान जो डिलीवरी एक तरह से बिल्कुल तरीके से होती है वैसी स्टार्ट नहीं होगी, तब तक मिलना कोई भी सामान थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड मैंने आपको एक वीडियो ये वीडियो इसलिए भी बनाई है क्योंकि मैंने एक बंदे का जो PS4 का न्यू मतलब वीडियो देखा था, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये वाला जो PS4 है ये मेरे को रियल लग, सॉरी PS4 नहीं, सॉरी PS5 है जो है ये मुझे रियल लग रहा है, जो कि इसकी लुक आने वाली है वो इसकी तरह होगी। तो आपको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए रिमोट का तो पता ही है फ्रेंड ऐसा होने वाला है, पर मुझे PS5 जो लग रहा है वो बिल्कुल यही लग रहा है कि यही आएगा बन के। और ये लुक वाइज भी ठीक है, और जो आप स्लिम वगैरह चाहते हो उसके हिसाब से भी ये आपको सही लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये और भी हो सकता है कोई डिफरेंट कंसोल थोड़ी बहुत अलग तरीके का भी आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो यही होने वाला है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसा PS5 आने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं, अभी मैं इसे पुश कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो मैं ना रिकॉर्ड करूँ इन्हों की, ताकि कोई कमेंट्री स्ट्राइक ना आ जाए। ठीक है, और फ्रेंड मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मेरा ये चैनल है यूट्यूब का, तो अभी मैं इसमें एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे हमारे G5 होता है, हॉटस्टार VIP होता है, इसका मैं अब गिव वे स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद भी अब क्रैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे पास अकाउंट मिलते हैं जो मुझे, तो उन्हों का थोड़ा बहुत मैं गिव अवे करूँगा। और उसमें जो अकाउंट होंगे वो कितनी भी वैलिडिटी हो सकती है उनकी, तो उसमें आपको 1 मंथ की मिल सकती है या 6 मंथ की मिल सकती है या 1 ईयर की भी आपको वारंटी उसमें मिल सकती है Z5 और हॉटस्टार में। और भी अदर का गिवे करूँगा जब मैं उन्हें क्रैक कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर और मैं ये बता दूं कि जितने भी मेरे अकाउंट निकलेंगे उसके हिसाब से मैं गिववे करूंगा, उतने बंदों को सिलेक्ट करूंगा, उन्हों को सिंगल सिंगल अकाउंट दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी स्पेशल वन को ही दूंगा। तो जैसे लाइक मुझे 10 अकाउंट मिलते हैं तो 10 मेरे विनर हो गए, अगर 30 अकाउंट मिलेंगे तो मैं 30 बंदों को ही वो अकाउंट प्रोवाइड करूँगा जो मुझे अच्छे लगेंगे और जिनों का कमेंट मुझे अच्छे लगेगा। ठीक है, तो अगर आप भी इस इवेंट में भाग लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो दिल खोल के डिसलाइक भी करें। ठीक है, उसकी उसका कोई कुछ नहीं है, उसके कोई पैसे नहीं लगने हैं आपके। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक, और फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है इन फ्यूचर या अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ, या कोई मेरी वीडियो है उस पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, न्यू न्यू क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अपडेटेड नहीं है, जो पुरानी वीडियो उन्होंने न्यू अपडेट आ गया होगा आई थिंक जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह का है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और फ्रेंड और बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।